एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल चुका है कि आज मैं क्या लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ये उन लोगों के लिए जिनको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की दिक्कत है। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस प्रीवियस में डाल चुकी हूँ, जहाँ मैं आपको अपनी जर्नी दिखाई है। मैंने सीरम के बारे में काफ़ी वीडियोज मैं बना चुकी हूँ, प्लिक सीरम के ऊपर। अब मैंने अपनी जर्नी दिखाई है कि मैंने प्लिक सीरम को लगा कर कैसे अपने पिगमेंटेशन को ठीक किया है, और पूरी जर्नी मैंने उस वीडियो में बताई है, जिसको लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। उस पर बहुत सारे कमेंट्स मुझे अभी तक आ रहे हैं कि हमें ये क्रीम बताओ, वो क्रीम बताओ, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम बताओ, पिगमेंटेशन की और कौन सी क्रीम है वो बताओ। तो बहुत सारे वीडियोस, उस वीडियो से रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, अभी भी आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं जो अपने ऊपर फॉलो करती हूँ, वो ही मैं, अगर मुझे फ़ायदा होता है तो ही मैं आप लोगों को वो वीडियो में दिखाती हूँ। मैं ऐसे ही कोई हवा हवाई बात नहीं करती हूँ। जो चीज़ मुझे फ़ायदा हुई होती है, जो चीज़ मुझे लगती है कि मैं को आपसे शेयर करना चाहिए, मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में रखने वाली हूँ, ज़्यादा इसको मैं लंबा नहीं करूँगी। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि आपको टाइटल से पता चल चुका है, थंबनेल से पता चल चुका है कि आज मैं आपको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा से रिलेटेड क्रीम्स बताने वाली हूँ, जो आपको सिर्फ रात को लगानी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं, पर वो कमेंट्स में पूछते हैं। मुझे दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में पूछते हैं और मैं उनका रिप्लाई देती हूँ, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैंने उस वीडियो में क्या क्या बोला है और क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं। वो सारी चीज़ें, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे वीडियोस में कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ मैं जो आज आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने अपने ऊपर की है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। यस, तो आप लोगों को पता है कि मुझे पिगमेंटेशन की दिक्कत रही है कुछ टाइम पहले, और वो चीज़ मैंने ठीक कर ली है। अगर आप मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से हैं और आपने वो वीडियो देखा ज़रूर होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ मैंने अपने आपको अपनी पूरी जर्नी आपसे शेयर की थी कि कैसे मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई, मैंने कैसे सीरम लगाया, और सीरम लगाने के बाद मेरे फेस में क्या क्या डिफरेंस आए, वो मैंने आपको बिफोर आफ्टर अपनी फ़ोटोज़ मैं दिखा चुकी हूँ। मैंने पूरी जर्नी आपसे शेयर की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक और आप मेरे चैनल पर नए नए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मुझे पिगमेंटेशन की दिक्कत थी, और वो मैंने ठीक कर ली है, मुझे अब पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता है ना कि आपके दिल दिमाग में एक डर बैठ जाता है जब पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि पिगमेंटेशन बोलने में बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही है, लेकिन आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे वो लोग, जो जिससे वो लोग, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ मुझसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। और जिनको नहीं है पिगमेंटेशन की बात, बहुत अच्छी बात है कि आपको नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपको आगे फ्यूचर में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि जिसको देखो उसको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की दिक्कत हो रही है। तो आप मेरे से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिनको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की दिक्कत है, और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया है जिनको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की दिक्कत है। तो बात कर लेते हैं कि मेरा सब जर्नी वर्नी मैंने आपको अपनी दिखाई, मेरा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरे दिल दिमाग में एक डर बैठ गया था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो ठीक हो गया है, फिर 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे फिर से, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से पिगमेंटेशन की दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम झेली है। और आपको पता होगा, जब आपको पिगमेंटेशन या मेलाज्मा होता है, तो उसकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा आपके दिल दिमाग में बैठ जाती है, आपका फेस पूरा डार्क हो जाता है। अगर आप गोरे हैं तो आपका फेस एकदम काला हो जाएगा अगर आपको पिगमेंटेशन या मेलाज्मा हो जाता है। और दूसरी चीज़, आपका फेस ग्लो नहीं करता है, आप बहुत मुरझाए मुरझाए से लगते हो। आप अगर खुश भी रहोगे ना, तो आपका चेहरा अगर पिगमेंटेशन से भरा हुआ है ना, तो वो एकदम मुरझाया हुआ लगता है। तो आपको पता ही होगा कि पिगमेंटेशन में फेस कैसा हो जाता है।
तो मुझे बस उसी बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज तो ठीक हो गया सीरम से लगाने से, बट ऐसा ना हो कि 1-2 साल बाद मुझे फिर से इसकी प्रॉब्लम होने लगे। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया, और मैंने कोई ऐसे वैसे डॉक्टर को नहीं दिखाया था, मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाया था, और उन्होंने मेरे फेस को देख के कहा कि आपको अब नहीं है पिगमेंटेशन, अगर आपको था तो आपने ठीक कर लिया तो अच्छी बात है, अब आपको नहीं है तो आप अगर ये क्रीम नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। बट फिर भी मैंने उनसे अपना ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद मतलब जो ट्रीटमेंट था, अब तो नहीं है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मेरा खत्म हो चुका है, वो मैंने 4 महीना ट्रीटमेंट किया और अब मैं वो ट्रीटमेंट नहीं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ठीक हो चुका है। तो आज जो भी मैं बताऊंगी आपको, जो भी क्रीम के बारे में बताऊंगी, वो नाइट क्रीम है, उन लोगों के लिए है जो पिगमेंटेशन और मेलाज्मा से प्रॉब्लम में है, उनको हो रखा है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और आपको आज मैं नाइट क्रीम बताऊंगी, आपको नाइट में ही वो क्रीम लगानी है, दिन में नहीं लगानी है। दिन में आप अगर सीरम यूज कर रहे हैं, प्लिक सीरम, मैं आपसे कहूंगी कि प्लिक सीरम आप यूज करिए, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला है, इसलिए मैं पर्सनली उस पर बहुत फोकस करती हूँ कि आप भी वो लगाइए ताकि आपकी भी दिक्कत दूर हो जाए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो भी स्किन केयर है, आप जो भी फॉलो करते हो दिन में, आप वो फॉलो करिए, और रात को जो मैं क्रीम आपको बता रही हूँ वो आप फॉलो करिए। और ये उन लोगों के लिए है जो पिगमेंटेशन और जिनको मेलाज्मा है, नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है ये वीडियो, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत पर्सनली आप पे फोकस कर रही हूँ जिनको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा है, स्पेशली वो लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप दिन में जो भी फॉलो करते हैं स्किन केयर वो आप करिए, रात को आपको आज जो मैं बताऊंगी वो आप फॉलो करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और ये ऐसे ही वैसे कोई नहीं है, ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड है, डॉक्टर से रिलेटेड है, डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया था और डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी वो हेल्पफुल हो सके, क्योंकि वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई है और मेरे फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि मुझे आगे चल के नहीं होगा। तो मैं आपसे पहले बता देती हूँ कि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तो कह दिया था साफ साफ कि आपको दिक्कत नहीं है, आप मत यूज़ करिए, बट फिर भी मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया कि फ्यूचर में मुझे ना हो। तो उन्होंने जो मुझे फर्स्ट क्रीम बताई थी वो बताई थी कि आप नाइट में, दिन में आप जो फॉलो करते हैं करिए, पर दिन में आप जो भी फॉलो करते हैं वो करिए, डॉक्टर ने मुझसे यही कहा। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, सनस्क्रीन हर 2-3 घंटे में आपको अप्लाई करना है, और सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ यार, इसकी जो वैल्यू बाद में मुझे समझ में आई है कि सनस्क्रीन की वैल्यू सही में बहुत होती है यार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग नहीं लगाते हैं, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, कोई भी हो, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं जो भी दिन में फॉलो करती थी, क्योंकि सीरम मैं पहले यूज़ करती थी, सीरम का मेरा ठीक हो गया था, मेरी जर्नी आपको दिखा चुकी हूँ, सीरम से ठीक हो गया था, तो मैं सीरम नहीं यूज़ कर रही थी, वो प्लिक सीरम यूज़ नहीं कर रही थी। तो दिन में मेरा अलग स्किन केयर था जो मैं अपना खुद से फॉलो करती थी, कि मैं लगाती थी विटामिन सी की सीरम लगाती थी दिन में, जब प्रॉब्लम दूर हो गई थी तब प्लिक सीरम पहले यूज़ करती थी जब पिगमेंटेशन था, बट जब दिक्कत खत्म हो गई तो मैंने क्या किया, फेस वॉश करती थी, दिन का बता रही हूँ, और उसके बाद मैं सीरम लगाती थी, फिर मैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती थी, फिर सनस्क्रीन लगाती थी, ये दिन का रूटीन था मेरा। बट रात को डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप रात को फेस वॉश करिए और रात को आपको ये क्रीम लगानी है, और ये पूरी ट्यूब खत्म हो चुकी है, इसका नाम है आईबी ग्लो अल्ट्रा डी पिगमेंटिंग क्रीम है ये, और इसमें हाइड्रोक्विनोन क्रीम USP है, और 15 ग्राम की है ये, बहुत अच्छी क्रीम है ये। और ये डॉक्टर ने मुझे 1 महीने तक रिकमेंड करने को बोला था कि आप ये लगाओ 1 महीने तक, और इसको आपको कैसे लगाना है, आपको लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन की दिक्कत है पहले वहाँ पर यूज़ कर लीजिए, अगर आपको यहाँ दिक्कत है तो आप थोड़ा सा क्रीम यहाँ लगाइए और उसको थोड़ा सा फैलाइए, मलिए उसको, थोड़ा सा रब कीजिए अच्छे से, उसको मसाज करिए उस पर, ऐसे दबा दबा के मसाज नहीं करना है, आराम आराम से मसाज करना है, बट फोकस आपका वहाँ वहाँ ज़्यादा होना चाहिए जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है पिगमेंटेशन की। तो ये क्रीम आपको ऐसी लगानी है, पूरे फेस पे आपको लगा लेना है, और जहाँ जहाँ आपको दाग है, पिगमेंटेशन हो रखा है, वहाँ पर थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर तक उसको मसाज देना है, और उसके बाद छोड़ देना है,
उसके बाद सो जाना है वैसे ये क्रीम लगाने के बाद, और सुबह उठते हैं जब आप तो आप नॉर्मल फेस वॉश कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको, मेरे को डॉक्टर ने कहा था 1 महीने तक, तो मैंने ये क्रीम 1 महीने तक लगाई और मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। मतलब जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि आपको डार्क स्पॉट्स भी दिखते हैं, जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम अलग है, एक्ने प्रॉब्लम अलग है, ठीक है ना। तो इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ, मैंने 1 महीने तक लगाया, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला। उसके बाद डॉक्टर ने ये क्रीम चेंज कर दी मेरी, और डॉक्टर ने मुझे फिर 2 क्रीम दी लगाने के लिए, वो आपसे शेयर करती हूँ, वो बहुत जरूरी है खास करके पिगमेंटेशन एंड मिलाजमा के लिए। तो पहली क्रीम ये है, इसमें भी हाइड्रोक्विनोन क्रीम यूएसपी है, मेलालाइट क्रीम है ये, और बहुत अच्छी क्रीम है ये। और दूसरी है बिलूमा स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, ठीक है। तो ये 2 क्रीम मुझे दी डॉक्टर ने, और इसको मैं मिक्स करके लगाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे मिक्स करके बोला है कि पहले आप ये हाथ में ले लीजिए, उसके बाद ये थोड़ा सा लगा उसमें मिला लीजिए, और उसको मिक्स करके फिर अपने फेस पे लगाइए, और जहां जहां आपको पिगमेंटेशन लगता है कि स्टार्ट होने वाला है या है, तो वहां पर आप अच्छे से मसाज करिए, और पूरे फेस पे लगाना है आपको। और जैसे आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पर पिगमेंटेशन हो रहा है, दाग आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा रब करना है। लेकिन ये दोनों क्रीम मिक्स करके लगानी है, पहले ये हाथ में लीजिए, उसके बाद ये थोड़ा सा उसमें मिक्स करिए बिलूमा क्रीम, और मिक्स करके लगानी है। विदाउट मिक्स बिल्कुल भी मत लगाइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज यार वीडियो जरूर देखिएगा, वरना आप मुझसे शिकायत करेंगे कि आपने तो ऐसा बोला था। मैं हर वीडियो में बहुत साफ साफ बोलती हूँ, ठीक है ना, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी चीज शेयर कर रही हूँ आपसे, मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप शेयर करिए। बट अगर आपको ये दोनों क्रीम सूट नहीं कर रही है, आपको इससे थोड़ी सी भी इचिंग हो रहा है या जल रहा है या आपको लग रहा है कि आपको ये सूट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको उसी टाइम आपको ये क्रीम बंद कर देनी है, ठीक है। बट अगर आपको पर दोनों मिक्स करके लगाइएगा यार, मैं बार बार ये चीज पे पॉइंट कर रही हूँ कि प्लीज बार बार बोल रही हूँ मैं आपको कि ये मिक्स करके लगाइएगा। पहले आपको ये मेलालाइट क्रीम हाथ में ले लेनी है, उसके बाद ये बिलूमा क्रीम जो है उसको थोड़ा सा मिक्स करना है इस क्रीम में, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लो हाथ में, उसके बाद फिर लगाओ अपने पूरे फेस पर, और जहां आपको लगता है कि दाग है, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, वहां पर थोड़ी देर तक अच्छे से मसाज करिए, और फिर पूरे फेस पे जैसे हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं वैसे लगा के छोड़ दीजिए, और फिर जब सुबह उठेंगे तो आप फेस वॉश कर लीजिए। ये आपका नाइट रूटीन है, ठीक है। पर ये सेकंड है, ये आपको दूसरी बार लगाना है। पहले आप आईबी ग्लो लगाएंगे 1 महीने तक, 1 महीने तक आपको इससे काफी ज्यादा फायदा दिखेगा, नजर आएगा आपको, खुद से ही नजर आएगा आपको। तो इससे आपका फेस ना, पहले आपको ये इसलिए बोला है डॉक्टर ने, मुझे बोला था कि इससे ना काफी लाइट हो जाता है, पिगमेंटेशन मेलाज्मा का दिक्कत दूर हो जाता है, जो आपका काला काला फेस हो जाता है ना वो इससे थोड़ा ग्लो करता है, गोरा हो जाता है चेहरा, और जो दाग होता है वो लाइट हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर ने पहले ये रिकमेंड किया था, और ये मुश्किल से मुझे 1 महीना ही बोला था डॉक्टर ने। और तो आपको भी ऐसी करना है, पहले ये क्रीम लगानी है आईबी ग्लो, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक, ये दो तीनों क्रीम ऐसी हैं कि मैंने मेडिकल से खरीदी है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था और मैंने मेडिकल से खरीद ली थी, मेडिकल पे आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर इसका लिंक मुझे मिलता है अमेजोन या मिंत्रा पे तो मैं डाल दूंगी, और अगर नहीं मिलता है लिंक तो मैं इसका नाम डाल दूंगी, तो आप मेडिकल से आराम से खरीद लेना और इसको लगाइए, बहुत फायदा होगा आपको। तो दोबारा बता देती हूँ, अच्छे से सुन लीजिए, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और ऐसा ना हो कि आप मुझ पे ब्लेम डालें, मेरे पे ब्लेम प्लीज मत डालिएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो सकती है या दिक्कत हो रही है, तो आप बंद कर दीजिए। बट यहाँ पर मैं अपना आपको जैसे मुझे फायदा हुआ है, और ये ऐसा नहीं कि मैं खुद से लगा रही हूँ मेडिकल से लेकर, मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद से जाके मैंने मेडिकल से ढूंढ ली क्रीम और मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। प्रॉपरली मैं ट्रीटमेंट ली हूँ डॉक्टर से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं अपने बहुत ट्रस्ट करके बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे इसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब आप देख सकते हो, पहले तो आपने मेरी जर्नी देखी ही है और अभी भी आप देख रहे होगे कि
मतलब इसकी दिक्कत मुझे बिल्कुल भी नहीं है यार। और अब मेरा ट्रीटमेंट ये भी ट्रीटमेंट मेरा बंद हो गया। ये ट्रीटमेंट जो थे दोनों तीनों क्रीम का, ये मैंने 4 महीने तक किया और उसके बाद डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ सनस्क्रीन पे ध्यान दीजिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मेरा जो नॉर्मल रूटीन है, जो नॉर्मल स्किन केयर था, मैं वही फॉलो करती हूँ। जैसे फेस वॉश किया, वाइटामिन सी सीरम लगाया, मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया और फिर सनस्क्रीन लगा लिया। ये मेरा नाइट, ये दिन का था। और रात को मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ जो वाइटामिन सी नाइट क्रीम आती है मैं वही लगाती हूँ रात को। ये सब बंद हो चुका है, सिर्फ 4 महीने का ट्रीटमेंट था मेरा, लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर यार फिर से आपको बता दूँ मैं, आप लोग बोलेंगे कितना पका रही है ये, बट काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, थंबनेल देखते हैं और स्टार्टिंग देख लेते हैं, एंड देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो लोग सवाल जवाब करते हैं कि ये क्रीम लगानी कैसे है। यार मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप प्लीज पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि वीडियो में मैं कैसे बोल रही हूँ क्रीम लगाने के लिए। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा यार, स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। फिर से बता देती हूँ, लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, पहले आपको आईबी ग्लो ये क्रीम लगानी है, और ये भी हाइड्रोक्विनोन क्रीम है, काफी अच्छी है और ये डीपिगमेंटिंग क्रीम है, ये डीपिगमेंटेशन के लिए ही बना हुआ है क्रीम। तो पहले आपको ये लगाना है क्रीम, और ये क्रीम नॉर्मल आपको अपने फेस पे नाइट में लगाना है, दिन में नहीं लगाना है, नाइट में आपको ये क्रीम लगा लेना है आराम से अपने फेस पे और सो जाना है क्रीम लगाकर। और जहां जहां आपको लग रहा है कि आपको पिगमेंटेशन है, वहां थोड़ा देर तक मसाज करिए और फिर ऐसे छोड़ दीजिए, जैसे हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं, लगाया और छोड़ दिया, वैसे आपको लगा के छोड़ देना है। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको फेस वॉश कर लेना है। बट अगर आपको इस क्रीम से भी दिक्कत हो रही है कि आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, तो आप छोड़ देना ये क्रीम लगाना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करो, मैंने बोला है तो कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं। अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है कि इचिंग वीचिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको जरूर 1 महीने तक फॉलो करिए। ये क्रीम बहुत अच्छी है, आपको जरूर फायदा होगा, आप ये लगा के देखिए। और पहले आपको ये 1 महीना लगाना है, उसके बाद 1 महीने के बाद आपको ये दो क्रीम लगानी है। एक क्रीम का नाम है मेलालाइट और दूसरी क्रीम का नाम है बिलूमा। तो मेलालाइट क्रीम है ये भी हाइड्रोक्विनोन क्रीम है, और ये बिलूमा है स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था स्किन ब्राइटनिंग क्रीम बताने को, तो ये वो क्रीम है। और इन दोनों क्रीम को अलग अलग नहीं लगाना है, एक साथ ही लगाना है, मिक्स करके लगाना है। पहले आपको ये मेलालाइट क्रीम को हाथ में ले लेना है, उसके बाद बिलूमा क्रीम को उसमें मिक्स करना है, और अच्छे से उंगली से अपने मिक्स करके फिर आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है। और जहां जहां आपको लगता है पिगमेंटेशन है, वहां थोड़ी देर तक मसाज करिए और फिर छोड़ दीजिए और सो जाइए चैन से, आराम से। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको नॉर्मल फेस वॉश कर लेना है, फिर जो दिन का आपका जो भी रूटीन रहता है, जो भी स्किन केयर रहता है, वो आपको फॉलो करना है। तो ये आप करिए, और इस क्रीम को भी आप लगाइए, कंटिन्यू करिए। मतलब आईबी ग्लो जो है वो 1 महीने तक करना है, ये दो क्रीम आप फॉलो करिए नाइट में, सिर्फ दिन में नहीं करना है, दिन में करने से नुकसान होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सिर्फ नाइट क्रीम है, ये मेलालाइट एंड बिलूमा, ठीक है? अच्छे से बता रही हूँ, मैं टीचर जैसे क्यों बिहेव कर रही हूँ यार, पर करना पड़ता है यार। बहुत सारे लोग ना ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, सवाल जवाब करते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है यार कि वीडियो तो देख लो, पहले वीडियो देख लो फिर ऐसे सवाल पूछो। तो इसलिए मेरे को टीचर जैसे एकदम बताना पड़ा आप लोगों को। तो जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये क्रीम्स मैं लगा चुकी हूँ, मुझे काफी ज्यादा क्या बोलूंगी, मुझे पूरी की पूरी तरीके से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की दिक्कत नहीं है मुझे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अगर ये क्रीम ऐसी होती कि मैंने खुद से मेडिकल से लेके लगा ली होती, तो मैं बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं बनाती, बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो मैं ऐसे तो आपको नहीं बताती। बट डॉक्टर से कंसल्ट की हुई क्रीम है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है प्रॉपर मेरा, इसलिए मैंने आपसे शेयर की है। और बार बार कह रही हूँ कि क्रीम लगाइए, अगर नहीं फायदा होता है तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है कि नहीं मुझे इससे इचिंग हो रहा है या जलन हो रहा है, तो आप छोड़ देना है क्रीम लगाना, बिल्कुल भी मत लगाइएगा, पर नाइट में ही लगाना है। ये नाइट स्किन केयर मैंने आपको बताया है फॉर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा लोगों के लिए, ओके?
था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा, और जरूर कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक पे मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, और लिंक्स मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर डाल दूंगी, वरना मैं नाम डाल दूंगी, और आप मेडिकल से जाके खरीद लेना, मेडिकल से आपको आराम से मिल जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, बाय।